लोकतंत्र का महापर्व था, गणतंत्र दिवस था, 26 जनवरी का दिन था और दिल्ली की सड़कों पर लाखों की संख्या में किसान थे। विगत 2 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कल जो दृश्य कैमरे के सामने था वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। हमारे साथ वीरेंद्र कुशवाहा जी हैं, प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका डीपी पोल वॉइस में। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कल जो चीज़ें कैमरे के सामने घटित हुई, जो कल दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली के सड़कों पर जो घटित हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, सबसे पहले तो कल की जो घटना हुई निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जी, लेकिन इसके साथ साथ भारत सरकार को भी चाहिए जी कि लंबे समय से भारत के किसान आंदोलनरत हैं जी, उनकी मांग को निश्चित रूप से मानने योग्य है और हम समझते हैं कि सरकार को मान लेना चाहिए जी, ताकि इस तरह की नौबत आने वाले दिनों में फिर से दोबारा न आए। किसान को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए जी, और आपके माध्यम से भारत के किसान से भी हम आग्रह करना चाहेंगे जी कि लोकतंत्र की अपनी मर्यादा है और कोई भी आंदोलन, धरना हो, प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, संविधान के दायरे में रह के हम सबको करना चाहिए जी। वैसे लेकिन सर, कल जो चीज़ें घटित हुई, जैसे लाल किले के प्राचीर पर चढ़कर पुलिसकर्मियों को मारा गया, जैसे जिस तरीके से ट्रैक्टर चल रही थी वहाँ पे किसी को धक्का लग सकता था, किसी को नुकसान हो सकता था, तो ये चीज़ें, ये किसान आंदोलन किस तरीके का किसान आंदोलन था? ये निश्चित रूप से लंबे समय से आंदोलनरत रहे किसान उग्र हो गए थे जी, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जी, चाहे भारत सरकार के प्रशासन हो, दिल्ली पुलिस हो, उनके तरफ से भी कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है और किसान ने भी जो रुख अख्तियार किए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था जी।